प्रीवियस चैप्टर देखना तो मेरा प्लेलिस्ट आके देख सकते हो। और ये कहते हैं यहाँ पे कोई बाहर का बंदा नहीं है, तो फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं, आके यहाँ पे बैठ जाओ। आज भी सब कहते हैं हाँ मुझे पता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, फिर भी मैं चर्च का रूल को फॉलो करूंगा। और ये कहते हैं पर रूल मैं बनाता हूँ, और क्या चल रहा है यहाँ पे, मैंने इजावल को कहा था कि वो तुम्हें लेके आए और तुम यहाँ पे आ गए, तो डायरेक्ट न्यूज मुझे बता सकते हो। बिशप कहता है कि आपने ऑर्डर दिया था विचेस को पकड़ने के लिए, हमने 3 विचेस को पकड़ा था, उनमें से एक भाग के निकल गया, और निकलने के बाद जो लोग एस्कॉर्ट कर रहे थे उनमें से का 16 बिलीवर्स मर गए, और उनमें से 4 सिलेक्ट हो गए थे जजमेंट आर्मी के लिए। अगर इस तरह से दोबारा कुछ होगा तो विचेस को पकड़ने के लिए लोग डरेंगे। और ये कहता है कि कॉम्बैट टाइप विचेस काफ़ी कम नंबर में होते हैं, और इस तरह का जो भी हुआ चीज़ ये कॉमन नहीं है, एक कॉम्बैट टाइप विच 2 जजमेंट वॉरियर के जितना होता है, और उसका प्रेशर होली सिटी में दिन बाद दिन बढ़ रहा है, और हमें काफ़ी सारी ट्रूप्स की अर्जेंट ज़रूरत है ताकि हम इवल बीस्ट के साथ लड़ पाएं। बिशप कहता है तुम जब से पॉप बन गए हो तब से तुम काफ़ी अच्छी तरह से ये सब चीज़ संभाल रहे हो। मेरे पास कुछ न्यूज़ है रिपोर्ट करने के लिए। अभी भी कुछ सिटीज़ हैं जो हमें रजिस्ट कर रहे हैं, और बाकी सारे नोबल्स किंगडम हार्ट के वो सारे के सारे सरेंडर कर चुके हैं, जैसे कि डरपोक किंगडम एवर विंटर जैसा, और हमारा इस समर में जितना रेवेन्यू होगा वो डबल हो जाएगा, और हमारे जजबेट आर्मी का साइज भी। और उसके साथ साथ जो किंगडम ऑफ डाउन है, हमें एक सीक्रेट रास्ता मिल गया और हमारे बिलीवर उसे एक्सप्लोर कर रहे थे, तो और हमारे जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि लगभग 2 महीने लग जाएगा डिमोन का महीना उन्हें रोकने के लिए। और ये कहते हैं काफ़ी अच्छा हुआ, तो अगले साल के लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी बना लूँगा, किंगडम ऑफ ग्रे कैसल पैरालाइज हो जाएगा अगर हम लास्ट किंगडम को ऐसे ही गिरा देंगे तो। बिशप कहते हैं पर इस किंगडम को गिराने के लिए हमारे पास जितने भी रिसोर्स है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और अगले टारगेट के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। किंगडम ऑफ ग्रे कैसल में अभी भी तबाही मच चुकी है क्राउन के सिलेक्शन और पील की वजह से, और उसके साथ किंगडम ऑफ डाउन में भी काफ़ी तबाही मचेगी, और इसके साथ कुछ फर्क नहीं पड़ता पहले कौन अटैक करता है, और रोल्ड विल्डम वेस्टर्न रीजन। और पास्ट की कुछ सालों में मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है, चर्च और किंगडम दोनों ही अटैक करने में फेल हो गए उसके खिलाफ, और सारे मैसेज को अगर हम जोड़ देंगे तो न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग है कि रोलैंड विल्डम का भी बैटल हारा ही नहीं है, उसका ताकत लगातार बढ़ता जा रहा है और वो तैयारी कर रहा है सबसे बड़ा धमाका करने के लिए। अगर हम 1 साल भी लेट करेंगे तो पूरा किंगडम उसी के हाथों में आ जाएगा, तो हमारे लिए और भी काफ़ी महंगा पड़ जाएगा अगर ऐसा होगा तो। बिशप कहता है ये तो सच है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, पर हमारे पास इतना समय नहीं सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। बिशप एस कह के यहाँ से चला जाता है, तो जाने से पहले उनमें से एक पीछे से कहते हैं अपना ध्यान रखना सर, और वो जाने के बाद ये राहत की सांस लेती है। जीरो के दी तुम्हारा जो ये इल्यूजन है काफ़ी अच्छा है, आखिर तुम ये इल्यूजन कैसे बनाते हो, इसके लिए कितने सारे मैजिक स्टोन तुम खाती हो। और ये कहती है कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। जीरो कहती है मुझे लगा था माइनिंग का जो भी नॉलेज है वो जो भी है मैं सब निगल लूँगा, पर सब पाने के बाद मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा देर के लिए इसे छुपा के नहीं रख सकता ओल्ड मैन के सामने, पर कहना था पड़ेगा, उसका जो भी आइडियाज और जो भी इरादे काफ़ी बोरिंग है। इजाबेल कहती है अगर तुम मुझे बताए नहीं होते तो मुझे रोलैंड के बारे में नहीं पता चलता कि वो इतना इंटरेस्टिंग है, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है वो चॉस को हराने से अच्छा वो डिमोन को हराना चाहता है। और ये कहती है इसका मतलब क्या है, तुम चॉस को धोखा देना चाहती हो। इजाबेल कहते हैं क्या धोखा देना, इसका मतलब क्या है, चॉस आखिर क्यों है, वो डिवाइन बैटल कर रहा है इसलिए ताकि ह्यूमन बींग सर्वाइव कर पाए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं ज़रूर उसको सर्व करूँगी, आखिर वो कोई भी हो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये कहती है तुम जीरो कहती है तुम दोनों लड़ना बंद करो, और इजाबल गलत नहीं है, और इसे जो हम कहते हैं डिवाइन बैटल, और इस बैटल में जो जीतेगा वही फाइनल विनर होगा, और गॉड उसे ही प्रोटेक्ट करेंगे, और गॉड का अप्रूवल किसे मिलता है हमें इस वार में पता चल जाएगा कि वो प्रिंस या हमारा विनियन। सिंस यू हमें दिखाया था, ये कहते हैं आखिर मिसो तुम कहाँ जा रहे हो आर्मर पहन के, ये कहता है कि जीतने के लिए हॉनर के लिए और स्टार्टस के लिए, तुम्हें तो पता ही होगा लॉर्ड मेडी ने सबको बुलाया है वेस्टर्न रीजन के जितने भी नोबिलिटी है उसके कैसल के अंदर, और हिज मैजिस्ट्री ने कहा है कि कोई अगर लॉन्गस्टोन स्ट्रॉन्गहोल्ड को कंकर कर लेगा तो किंग के द्वारा उसे प्रमोशन मिलेगा, और उसका टाइटल और उसका जो भी डोमेन है वो एक्सपैंड हो जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा। लेडी मिलर रोज फैमिली, लॉर्ड केविन मेम्पल फैमिली, लॉर्ड रेमी वुल्फ फैमिली,
सारे के सारे इकट्ठे हुए एलियंस बनाए हैं, ओथलिए हैं और बिना किसी हिचकिचाए। पिताजी, ये सब खत्म होने पर मुझे भी रेस्पेक्ट मिलेगा जैसे मेरे बड़े भाई को मिलता है। उसके पिताजी कहते ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी है, तुम भूल गए हो आखिर डूक रियान के साथ क्या हुआ था। और किंग के पास भी सेम हथियार है जिस तरह का हथियार प्रिंस रोहान ने यूज किए थे, और लॉर्ड मेडी के हिसाब से उससे भी ज़्यादा पावरफुल कुछ आ रहा है। सिंसियर तो हमें दिखा रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि हम लॉर्ड तिमति के लिए ये बार जरूर जीत जाएंगे। और ये कहता है ये बैटल जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और आपको गुड न्यूज़ के लिए इंतज़ार करना भी नहीं पड़ेगा। और उसके पिताजी कहते हैं तुम, और कुछ नाइट के बारे में कहते हैं और ये भी कहता है जो जीतता है उसका ही नाम रहता है और मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए मैं लड़ूंगा। और उसका बॉटलर कहता है माई लॉर्ड आखिर उसे आप रोके क्यों नहीं। और ये बूढ़ा कहता है उसे रोकना काफ़ी आसान है पर इसकी वजह से मेरे फैमिली को काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ेगा। बॉटलर कहता है ज़रा देखिए अगर क्या होगा कि 4 फैमिली जीत जाएंगे और ये जो डिमन का महीना है काफ़ी लंबा है और अभी तक स्नो मेल्ट ही नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है प्रिंस रोहन की आर्मी जब आएगा उससे पहले ही किंग का आर्मी पूरी तरह से कब्जा कर चुका होगा वेस्टर्न रीजन को। और ये सोच रहे हैं कि पास्ट के बातें होता तो मैं भी ये सोचता, पर जब बॉर्डर टाउन से मैं वापस आया हूँ ये मैं कह सकता हूँ हाइनेस रोनाल्डो काफ़ी अच्छे और काफ़ी काइंड भी है। फेलिन एरिन आगाथा वो सारे बॉर्डर टाउन में रहते हैं। स्टीवर्ट बॉर्डर टाउन में जाओ, जाके हाइनेस को तुरंत ये न्यूज़ कह दो, किसी भी हालत में इस सब के बारे में जरूर उन्हें बता दो। सीन होता है बॉर्डर टाउन का सीन दिखाते हैं, रोहन कहते हैं नाइट को एक रिक्वेस्ट भेजो मदर के लिए 4 फैमिली को। आखिर वेस्टर्न रीजन में आखिर इस तरह का कौन प्लॉट कर रहे, आखिर मेरे नाक के नीचे कौन ऐसा ये सब कर रहा है, कौन रेबिलियन कर रहा है। नाइट कहता है कि ये काफ़ी सारे प्लान करके ये विद्रोह कर रहे हैं क्योंकि 4 फैमिली एक साथ ही काम कर रहे हैं तो उनके अंदर जरूर उनका लीडर होगा। रोहन कहते हैं अगर वो इस तरह के साइड ले रहे क्योंकि उनका फोर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसकी वजह से, और इस मोमेंट में मुझे लगता है एक या दो लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे इसके बीच में। हंटर कहते हैं क्या ये किंग तिमोथी है। रोहन कहते हैं मुझे सरप्राइज भी नहीं लगा अगर चौथ इस सब में शामिल होगा क्योंकि ड्रैगन फेलर्स ख़त्म होने पर वो हमारे वेस्टर्न रीजन को ही टारगेट करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि दुश्मन ने गन चलाना सीख लिया और उनके पास गन पाउडर का फार्मूला भी है। स्नो पाउडर काफ़ी अननोन है चर्च के लिए और तिमोथी के लिए भी, और ये काफ़ी आसानी से इसे यूज भी नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इन लोगों के पीछे जरूर किसी अननोन फोर्स का हाथ है। आखिर इस तरह से उन्हें इस सब के बारे में कैसे पता चल गया। नाइट एंगल कह दिए इसकी वजह ये है डीमन का महीना है, स्नो ब्लॉक कर चुका है सारे रोड को और डीमनिक बीस्ट भी अटैक कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर और ये टाइम काफ़ी परफेक्ट है विद्रोह करने के लिए। हंटर कहते हैं हमारा हथियार उन लोगों के पास होगा सिटी वाल, उसके साथ साथ अननोन फोर्स भी उनके साथ भी है और वो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये उनके लिए काफ़ी अच्छा चांस है तुमको हराने के लिए। रोहन कहते हैं पर उन लोगों को हमारे बॉर्डर टाउन के फुल पावर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हंटर तैयार हो जो फास्ट आर्मी को लेकर और 500 सोल्जर चुन लो, कल सुबह के लिए हम निकल रहे हैं। 6 आर्टिलरी अपने साथ रख लो और स्पेसिफिकली तुम ही इंचार्ज रहोगे। रोहन कहते हैं नाइट तुम बॉर्डर टाउन में रहोगे। नाइट कहते क्या क्या। नाइट कहते हैं हाइनेस आप दोबारा फिर से मुझे पीछे छोड़ रहे हैं। रोहन कहते हैं जो डीमन का महीना है वो काफ़ी खतरनाक है, वो नोबल से भी ज़्यादा खतरा है हमारे लिए, और तुम बॉर्डर टाउन को गार्ड करो और इस समय विचेस की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। नाइट एंगल भी कहती है यस और हाइनेस, और कहती है आप कहीं पर भी चले जाओ मैं हमेशा आपको ही फॉलो करूँगी। रोहन कहता है मैं धीरे धीरे करके अपना टेरिटरी और नया सिटी को मैं बनाने वाला था उसे कैप्चर करके, पर इन्होंने तो मुझे काफ़ी अच्छा मौका दे दिया इस समय, और इस समय मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं, मैं नोबल्स को छोड़ने वाला हूँ। सीन होते हैं हमें उस बॉटलर को दिखाया था, बॉटलर कहता है अगर तुम मुझे बॉर्डर टाउन में लेके चले जाओगे तो मैं तुम्हें 5 नहीं 10 गोल्ड रॉयल दूंगा। और ये कहते हैं योर एक्सलेंसी मैं आपके सर्विस में हूँ पर मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो बोट है वो इतना काबिल नहीं है, और हम अगर इस तरह से क्रॉस करके जाएंगे इस रिवर को तो हमें काफ़ी दिन लग जाएंगे और हम एक ही रात में पूरी तरह से जम के मर जाएंगे इस तरह से जाएंगे तो। बटलर पूछता है इसके अलावा और कोई भी बोट है बॉर्डर टाउन के लिए, और ये कहता नहीं कोई भी बोट नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें लॉन्गस्टोन स्ट्रॉन्ग हॉल में जाना पड़ेगा और वहीं पे ही रात बिताना पड़ेगा, पर मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सुना है कि लॉन्गस्टोन स्ट्रॉन्ग हॉल का जो भी गेट है वो बंद हो चुका है, आखिर लॉर्ड क्या करना चाहता है।
और इसे भी पता नहीं आखिर ये क्या कर रहा है। तभी ये कहते क्या एक सीप, तभी हमें किसी को दिखाया जाता है, कोई कहता है तेज और आगे बढ़ते जाओ, और कोई आके कहता है कैप्टन पानी गर्म हो चुका है, ये पूरी तरह से तैयार है, और ये कहते हैं उसके अंदर और भी कोयला डालते रहो, रुकना मत, और ऐसे ही डालते रहो, इस समय रुकना मत, आगे बढ़ते रहो। और हमें रोड को दिखाया जाता है और कोई कहता है कि योर हाइनेस क्या हम दुश्मन के इलाके में आ गए हैं लॉर्ड कैसल के पास, और वहाँ पे कुछ मिलिट्री से और फाइटिंग चल रही है गार्ड के बीच नॉर्थ गेट के साइड सिटी वॉल के पास, लगता है वो ज़्यादा देर के लिए रोक नहीं पाएंगे ये सब को। लाइटिंग के थे लगभग फर्स्ट राउंड में 200 से भी ज़्यादा लोग आए थे अटैक करने के लिए कैसल के ऊपर, पर वो फेल हो गए, और दुश्मन के पास जो भी हथियार है वो देखने में लगभग हमारा जो गन जैसा ही है, पर वो दिखने में काफ़ी अलग है हमारे वेपन से। तो रोहा कहते पेटरोव क्या ठीक है, लाइटिंग कहते हाँ वो तो ठीक होगा पर उसे लाने के लिए, पर रोहा पूछता है पर क्या, लाइटिंग कहती है उनके फैमिली के मेंबर्स को मार दिए गए हैं और उनके पापा को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो कैसल के अंदर रह जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सारे जितने भी लोग थे वो हॉस्टेज के तरह ले गए फोर फैमिली से, और एक के बाद एक मारते चले गए उनके फैमिली मेंबर्स को। मैंने कैसल के ऊपर से उठ के भी गया और मैंने कहा हम जल्दी ही आ रहे हैं, पर उसने कहा हमारे लिए सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, रोहन पूछते आखिर वो क्या है, खून के बदले खून। रोहन सोच रहे इस समय सारे नोबल्स फाइट करना नहीं चाहिए अपने टाइटल के हिसाब से और किसी को मारना भी नहीं चाहिए, पर वो जो फोर फैमिली वो सारे रूल को तोड़ रहे हैं। रोहन कहता मैं ऑर्डर देता हूँ सारे दुश्मन को मार दो जो सिटी वॉल के ऊपर है, और सीधा सिटी डॉक के ऊपर चलो और उसे कब्जा कर लो। सीन सीधा हमें वॉल का सीन दिखा दे, कोई कह रहा है कैप्टन वो लोग आ रहे हैं, ये कहता है मारते जाओ, अगर वो हमें चारों तरफ से घेर भी लिए तो भी क्या हुआ, अगर हम नोबल के हाथों मारेंगे तो हम कुछ को तो अपने साथ के लेके ही मरेंगे, ऐसा थोड़ी मरेंगे। अरे मैंने एक मिस कर दिया, अरे मेरे बुलेट भी ख़त्म हो रहे, वो कहते चलो इसे यूज करते हैं, और इन लोगों के बीच में फाइट चालू हो जाते हैं। उनमें से एक पीछे से आके कहता है कैप्टन, पर उसको एक पड़ता है और वो नीचे आके गिर जाता है, और ये सोचने लगता है कि आज मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। तभी वहीं पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और ये कहते हैं आखिर ये क्या है, क्या ये कोई डिमोनिक बीस्ट है। तभी कोई कहते हैं मैगी जिनको चोट लगी है उन लोगों को ढूंढो और नाना के पास लेके चली जाओ, और ये कहते हैं तुम तो आज कहती मैं तुम्हारा मदद करने के लिए यहीं पे आया हूँ, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।